आई जस्ट वॉश माई हेयर एंड अभी अगर मैंने देखा तो मैं ठंडे पानी से बाल धोता हूँ यूजुअली अगर विंटर्स में ना, या तो मैं मतलब अगर वार्म वाटर होता है, गर्म नहीं, वार्म वाटर से धोता हूँ। अभी मैंने ठंडे पानी से ट्राई किया, लेकिन अगर ये जो आगे आने वाले महीने जो भी होते हैं जनवरी और फरवरी, मैं सोच रहा हूँ उसमें क्या हालत होगी भाई, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है दिल्ली में, बहुत बुरे हाल होने वाले हैं। अभी उतनी नहीं पड़ी जितने लेवल की पड़नी चाहिए, बट यार थोड़ी बहुत तो है। तो आज अपने पास ये वाले बॉक्सेज है जिनका हमने हॉल करना है एंड प्रॉपरली बताऊंगा कि इनके अंदर क्या क्या है। 1, 2, 3, 4, 5 तीन इसके अंदर है, 2 ये वाले बॉक्सेज है, लेट्स सी। और सिर्फ वही नहीं है, आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ। जैसे कि ये जो नीचे पड़े हुए ना, ये जो बॉक्सेस आप देख रहे हो, इनमें भी भाई बहुत सारा सामान है, क्योंकि इसको जो मेरे को करना है ना, वो अमेजोन पे लाइव आकर एक प्रॉपर यू नो वीडियो बनानी है, उनके लिए लाइव में एक एक करके हॉल दिखाना है। तो या इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। इस बार मैं शायद तीसरी या चौथी बार लाइव आ रहा हूँ, विच इज़ अमेजिंग, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है ऑन स्पॉट करने में। एंड इसको पूरा प्रॉपर सेटअप करेंगे कल, मतलब फ्राइडे। ये जो आप वीडियो देख रहे हो थोड़ी सी लेट डल रही होगी, बट ये वाला जो हॉल है ये ऑलरेडी हो चुका होगा अमेजोन पे लाइव। सो मैं पता नहीं क्यों बता रहा हूँ, जस्ट मन किया तो बता दिया। ओके जी, लेट्स चेक आउट द फ्रेम के किस तरीके का आ रहा है सबसे पहले तो, क्योंकि ये जो फ्रेम है ना बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए कभी कुत्ता, कभी कुछ, कभी घर बन रहा है, कभी लोगों की आवाज आ रही है, कभी दूसरे को लोग चिल्ला चिल्ला के बुला रहे हैं, मैं भाई परेशान हो चुका हूँ यहाँ पर। अब मतलब अभी कैमरा में मेरी आवाज सुनी और ऑडियो थोड़ी सी में मतलब दिक्कत आ रही है, बट आई थिंक आप समझ सकते हो मेरी भी तकलीफ की क्या क्या हो रही है। लेकिन ये सारी बातें तो चलती रहेंगी। आज जो हम हॉल करने वाले हैं वो बड़ा अच्छा होने वाला है। तो आज जिन शूज के बारे में हम बात करने वाले हैं वो पर्टिकुलरली होने वाले हैं लोफर शूज। ये सारे लोफर्स है ना अमेजोन से मैंने मंगवाए हैं, आपको अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप खरीद सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि ये जो है शूज थोड़े से ब्रांड सिमिलर भी हो सकते हैं, क्योंकि यही इनको मैं पहले भी यूज कर चुका हूँ इनमें से एक दो ब्रांड्स, लेकिन जो कुछ ब्रांड्स है वो मैं नए दिखाने वाला हूँ। मेन मोटिव इसलिए क्योंकि यूजर एक्सपीरियंस अच्छा रहा, इसलिए वर्ड ऑफ माउथ के जरिए मैं आप लोगों के साथ इनको शेयर करना चाहता हूँ। तो मेरे पास 5 शूज है, एक एक करके सारे दिखाता हूँ। लोफर्स की जब बात आती है ना भाई, ये सबसे अच्छे पार्टी वेयर शूज होते हैं, एंड अगर आप इनको कैजुअली भी वेयर कर सकते हो ना, तो आपके ऊपर एक अलग सी यू नो ज्वेलरी की तरह ये सजते हैं। तो जो फर्स्ट मैं दिखाने वाला हूँ, इस ब्रांड का नाम है मूता किनोती। इस वाले में इन्होंने यहाँ पर कोई भी ब्रांडिंग नहीं करी हुई, साइड में भी शायद नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर बस एक छोटा सा लेबल है, बट जो दूसरा बॉक्स है उसके ऊपर इनकी प्रॉपर ब्रांडिंग है। ये बिल्कुल प्लेन बॉक्स है। सबसे पहले दिखाता हूँ कौन सा शू है आपको इस क्लोथ रैप पे ये मिल जाएंगे। एंड जो सबसे पहला शू है वो है ब्लू कलर का इस तरीके का एक लोफर। इस पे एक बार डिजाइनिंग आप खुद ध्यान से देखो, आपको ऊपर ना यहाँ पे साइड में चेकर्ड पैटर्न दिखेगा जो कि अमेजिंग इसको बना देता है। एंड ये ना थोड़े से हटके कलर्स हैं सारे। पेनी लोफर जो है थोड़ा सा अलग तरीके का लगा मुझे, इसकी जो सोल है वो भी काफी मतलब एक अच्छी रॉयल लुक देती है। यहाँ पे हल्की सी रबर लगी हुई है विच इज क्वाइट फैसिनेटिंग टू सी, क्योंकि यूजुअली लोफर्स में ना ये आपको रबराइज सोल नहीं मिलती है। एंड अगर इसकी बनावट की बात करूँ और मेरे खुद के प्रीवियस एक्सपीरियंस की बात करूँ, मूता किनोती इज अ ब्रांड जिसका मतलब मेरा रिव्यू जो है वो काफी अच्छा रहा है, बजट फ्रेंडली ब्रांड भी है, और शू जो आपको क्वालिटी वाइज देखने को मिलता है ना ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। क्योंकि कितने के आते हैं लोफर, मेरे हिसाब से 700-800 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं ऑफलाइन मार्केट में, लेकिन ये थोड़ा सा उनसे ज्यादा अच्छा और थोड़ा सा उनसे ज्यादा चलने वाला ब्रांड है, तो व्हाई नॉट इन्वेस्ट इन दिस। शू आपके सामने है, इसको आप पार्टी वेयर में अच्छे तरीके से कैरी कर सकते हो। थोड़ा सा यू नो ये वैसा टाइप का स्टाइल बन जाता है क्योंकि ब्लू कलर है, ये हर किसी के साथ नहीं जाने वाला। तो अगर आपके पास कोई वेलवेट टच में कुछ भी अपर आइटम है ना उसके साथ ये काफी अच्छे से मैच कर सकता है, तो दिस इज माई फर्स्ट चॉइस। नेक्स्ट जो ब्रांड मेरी लिस्ट पे आता है उसका नाम है बिग फॉक्स, बड़ी लोमड़ी, जोक नहीं था, इनके ब्रांड का नाम यही है। और अगेन ये एक अच्छा खासा बॉक्स है, प्रॉपर एक पैकेजिंग के साथ आपको मिलता है, और इसके अंदर जो लोफर इट्स क्वाइट डिफरेंट। मैं आपको अगर दिखाऊं तो इस तरीके का ये दिखेगा। ये क्या भाई, अरे बिल हटाओ यार, बिल नहीं चाहिए अपने को, बिल इज पेड। ये नॉर्मल आपको एक पॉलिथिन में मिलता है, लेकिन लुक एट द शू, ये थोड़ा सा हैवी है मूता किनोती से, बट इसका जो सोल है ना ये प्रॉपर रबराइज्ड है। इसमें भी देखो आपको इस तरीके की सोल देखने को मिलेगी, एंड ये है शू की प्रॉपर डेफिनेशन। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्टिचिंग आपको भी मिलती है, एंड ऑलिव कलर का ये थोड़ा स्वेड, हार्ड स्वेड के फैब्रिक में आपको ये शू देखने को मिलेगा। अगेन अ पेनी लोफर एंड अ कैजुअल ऑप्शन, ये पार्टीज में आप ज्यादातर प्रेफर कर सकते हो। मेरे हिसाब से फॉर्मल आउटफिट के साथ उतना अच्छा से नहीं जाएगा, बट स्टिल अगर आप देखना चाह रहे हो और आप चाह रहे हो कि एक प्रॉपर अच्छा अलग कलर आपको डिफरेंट टाइप का देखने को मिले, दिस इज द ब्रांड फॉर यू। एंड ऊपर ना थोड़ा सा आपको ज्यादा डार्क ग्रीन कलर देखने को मिलता है जो इस तरीके की लाइनिंग के साथ आ जाता है। अब ये आपकी चॉइस है कि आपको कैसा लगता है, बट स्वेड जो मतलब ये फॉर स्वेड है, नॉर्मल वैसा वाला असली स्वेड नहीं होगा, तो ये जो स्वेड है ना ये एक ऐसा मटेरियल जिसकी अगर आपने केयर नहीं करी, चाहे वो असली है स्वेड या नकली है, लेदर वाला है नहीं है, ये खराब होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको इसको रफ एंड टफ यूज करना है मैं इसको आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन
वहीं पर बात आ जाती है कि अगर आपको इसको कभी कभी पहनना है, क्योंकि आई डोंट थिंक लोफर्स जो होते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई स्वेड लोफर्स पहन के रोज जा सकता है कहीं पर भी, क्योंकि इनकी केयर थोड़ी सी ज्यादा होती है। अगर मटेरियल की बात करो, इट्स क्वाइट नाइस, थोड़ा सा स्टर्डी एंड थोड़ा सा हार्ड है यहाँ से, विच इज एक्चुअली गुड, क्योंकि एक तरह से ना कुछ स्टील टो की फिनिश देता है। अगर आपको ऐसा लग रहा ना कि दब जाएगा, मुड़ जाएगा, थोड़ा जाएगा, तो इसमें वो वाली दिक्कत नहीं आने वाली। अगेन अ गुड ऑप्शन, लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन। अब मुझसे छोटी सी गलती हो गई थी, जब ऑर्डर कर रहा था ना, मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैंने कौन सा कलर मंगवाया है, एंड दो कलर सिमिलर आ चुके हैं बिल्कुल, एंड शू भी बिल्कुल सिमिलर है, बट क्वालिटी में थोड़ा फर्क है। नेक्स्ट जो ब्रांड आपको मैं दिखाने वाला हूँ वो है मॉन्क्स एंड नाइट्स, एंड ये इस तरीके की इसकी पैकेजिंग मिलती है, एंड ये इसमें आता है, और शू इज एब्सोल्युटली सेम ऑब्वियसली, क्योंकि ये भी कलर सेम है। पेनी लोफर अगेन स्टील टो के साथ आपको मिलता है, हल्की सी देखने को। इसके अंदर ये आपको एक आई डोंट नो शू ट्री टाइप का मिल जाता है, जो कि मतलब किसी काम का नहीं हुई ऑब्वियसली, यहाँ पर आपको पेपर लगा के रखना पड़ेगा, विच आई डोंट पर्सनली लाइक, एंड ऑलमोस्ट सिमिलर क्वालिटी है, बस इसकी जो स्टिचिंग है वो यहाँ पर ब्लैक कलर की है, जो कि इसको बिल्कुल छुपा देती है, एंड शू कुछ इस तरीके का दिखता है प्रॉपरली। अगर पेनी लोफर की बात करूँ, बिल्कुल सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है, बिल्कुल सेम चीज़ है, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा, ऑल्दो बस इसकी सोल की वजह से ना मुझे ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगा जो पहले वाला था, बट यार नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दूंगा। आई डोंट नो कि मैंने ये वाला कलर दो बार क्यों मंगवाया, क्योंकि जब भी मैं करता हूँ बड़े ध्यान से करता हूँ, शायद एट द एंड ऑफ द बिलिंग अमाउंट या टाइम पे प्रॉब्लम हो गई होगी, बट स्टिल इस बार कर लो जरा एडजस्ट, अगली बार बढ़िया सा दिखा देंगे। मतलब देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये थोड़ा सा फेडेड लग रहा है और ये थोड़ा इस तरीके का लग रहा है, एंड दोनों अगर मैं साथ में दिखाऊं तो ये ऐसे लगेंगे, विच इज क्वाइट नाइस, क्वाइट गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि ये वाला होपफुली अगली बार नहीं होगा। फोर्थ शू मेरे पास आ जाता है, अगेन द सेम ब्रांड मूता किनोती, एंड इस बार इन्होंने यहाँ पर भूले नहीं इस पे करने का, और जो कलर है ना वो थोड़ा सा ऑब्वियसली ओल्ड स्कूल टाइप का है, मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में कहा था ना, तो फोर्थ शू कुछ इस तरीके का दिखता है, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न जो आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, लेकिन कलर थोड़ा सा डिफरेंट है, विच मेक्स दिस क्वाइट यूनिक। और अगर मैं क्लासी कलर की बात करूँ ना, ये थोड़ा सा आ जाता है उस टाइप में, एंड ऑब्वियसली अगर आप एक शू देख रहे हो और उसमें अगर आप देख रहे हो कि कुछ यूनिक होना चाहिए जो प्लेन ना हो, थोड़ा सा हटके हो, डिज़ाइन वाइज भी बढ़िया हो, देख ग्लॉसी फिनिश में आपको प्रॉपर एक ब्राउन कलर का लोफर देखने को मिलेगा, दिस इज ऑल्सो अ पेनी लोफर, एंड नीचे अगेन सिमिलर टाइप का आपको सोल देखने को मिलेगी। मूता किनोती की एक अच्छी बात मुझे ये लगती है कि जिसमें जो क्रीजेज आती है ना, उसके बावजूद भी पूरे शू में और कहीं डिस्ट्रक्शन नहीं होती, जैसे बाकी शूज में आपको कहीं ना कहीं कटने फटने का डर लगता है ना, इसमें वैसे टाइप का कुछ प्रॉपर यू नो आपको एक बिगड़ा हुआ जूता नहीं दिखेगा। जब भी आप इसको पहनोगे आपको हमेशा लगेगा बस इस पर हाँ थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी, आप इसमें लेदर टाइप का वो पॉलिश लगा सकते हो या सीधा एक कपड़े से वाइप कर सकते हो, आई डोंट थिंक दिस इज लेदर, तो आप कपड़े से एक सेफ ऑप्शन बन जाता है इसको वाइप करने का। स्टिल जो ओवरऑल लुक और एस्थेटिक ये मेंटेन करता है, आई डोंट थिंक कि बाकी कोई शू इस लिस्ट में कर पाएगा बिकॉज ऑफ द सिंथेटिक मटेरियल दैट हैज बीन यूज्ड। मेरा साइज 9 है, तो ऑब्वियसली अगर आपको ये अच्छा लग रहा है आप मंगवा सकते हो, लिंक सबके डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आई एम इन लव विद दिस शू, भाई तेरे साथ क्या लुक बुक बनने वाली है। ओए होए होए लास्ट शू जो मेरे पास आता है, अगेन द सेम ब्रांड बिग फॉक्स, बड़ी लोमड़ी का ब्रांड है, एंड ये इसकी पैकेजिंग अगेन सिमिलर टाइप की है जो कि थैलियों में आती है, स्वेड मॉन्क स्ट्रैप डबल वाला, एंड साथ ही साथ एक लोफर फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। लुक एट द शूज, स्वेड प्रॉपर मेंटेन है, नीचे इस बार जो सोल है ना आपको साइड में ऐसी देखने को मिलेगी जो कि स्टिच्ड है प्रॉपर, सेम सोल जैसे पहले वाले की थी, लेकिन डिजाइन वाइज दिस इज अमेजिंग। यहाँ पर आपको जो मॉन्क स्ट्रैप है उसमें एक इलास्टिक टाइप का भी देखने को मिलेगा, विच अगेन मेक्स द शू क्वाइट नाइस, जस्ट लुक एट इट, मतलब देख के बंदे को प्यार ना हो जाए तो क्या हो जाए, इसको मैं कितने अच्छे से कैरी कर सकता हूँ, आई नो दिस, एंड दिस इज अ प्रॉपर पार्टी वेयर शू, क्योंकि कलर वाइज और प्रॉपर एक जो लुक वाइज इसको बोलते हैं ना, इसको जब आप पहनोगे किसी ब्लेजर के साथ या यू नो ऊपर अगर नीचे आप कॉन्ट्रास्ट बनाना चाहते हो, यू कैन ऑब्वियसली वेयर दिस विद अ जीन्स एज वेल। ओह माय गॉड, मुझे प्यार हो गया यार। अगेन बजट वाइज ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, एंड उन लोगों के लिए है जो कि ज़्यादा कलर्स में यू नो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, जिनको थोड़े से मिनिमल कलर ज़्यादा पसंद है, पुराने ओल्ड स्कूल टाइप के बंदे हैं, दिस कलर इज फॉर यू एंड यू वॉन्ट बी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि ये आपको खराब एक्सपीरियंस देने वाला है। सो यार दिस वॉज अनदर शू हॉल वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी, एंड तुम लोग सब्सक्राइब करे बिना कैसे चले जाते हो यार, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम चाहते हैं जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर्स ग्रो हो, तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दो चैनल को, फटाफट हमें 100,000 तक पहुंचाओ, एंड यही मेरी आपसे गुजारिश है, स्प्रेड द वर्ड एंड जल्दी से जल्दी इस फैमिली को ग्रो करने में मेरी हेल्प करो। सारे शू के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाके आप चेक कर सकते हो, एंड इस वीडियो को इस कहानी को आज खत्म करते हैं। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, stay sexy, stay stylish, see you guys in the next one, bye bye.